अगर हम कोविड एरा की बात करें, अभी हम कोविड एरा में ही चल रहे हैं सभी लोग जी, काफी लंबा समय लगा हमें उस एरा से बाहर निकलने में, और अभी भी चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है। लेकिन एक बार मैंने फेसबुक पर देखा कि कोटेल एकेडमी को भी कन्वर्ट कर दिया गया है एक हॉस्पिटल जैसे एरिया में, जहाँ पर लोगों को सर्विस दी जा सके। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, हालांकि ये एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और बेसिकली मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे एलोपैथिक का बेसिक नॉलेज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी का, क्योंकि एक एलोपैथिक साइकेट्रिक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने क्लियरली अपना स्टेटमेंट दिया है न्यूज़पेपर में कि स्टेरॉइड्स की वजह से कई लोगों में इंसोम्निया क्रिएट हुआ है। और एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर मैंने अपने आसपास के लोगों में ऑब्जर्व किया है कि स्टेरॉइड की वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल तो कम हुआ ही हुआ है, डायबिटीज जैसे सिम्टम्स भी उभर के आए हैं जिसका ट्रीटमेंट लोगों का अभी भी चल रहा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी सर कि कोटेल एकेडमी के जरिए भी आपने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी बातचीत करी थी आई थिंक, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है आपके बारे में जी। तो सर आपका क्या अनुभव रहा, क्या आपको भी लगता है कि ट्रीटमेंट का जो बेसिक लेवल है वो इंडिया में वाकई में कोविड के बारे में सही नहीं था, या क्या उसका मतलब है? देखिए, जब कोविड का टाइम आया तो फर्स्ट जो वेव थी उस समय तो हम ठीक ठीक बचे हुए थे, दूर दूर के लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंड वेव में ये हुआ कि मेरे खुद की फैमिली में, मतलब बड़े भैया, उनसे बड़े भैया, उनकी फैमिली, मम्मी पापा, नियरेस्ट रिलेटिव बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। और हुआ ये कि एक तो परेशानी बहुत ज़्यादा थी, उसका रीज़न है कि मेडिसिन का इंतज़ाम करना है, दवाइयों का इंतज़ाम करना है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, घर के सारे लोग बीमार हैं, खुद को बचाना भी है और इसके साथ लोगों से जुड़ना भी है। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है किसी को बेड तक मिलना, मेडिसिन का इंतज़ाम करना। तो फिर मैंने फेसबुक पे एक मैसेज डाल दिया कि मैं ये सब कर तो रहा हूँ, किसी और को ज़रूरत है तो मैं आपके लिए भी खड़ा हूँ। उस समय रात में 2-3 घंटे ही मैं सो रहा था लगातार, और दिन भर रात भर सिर्फ फ़ोन पर ही मैं लगा हुआ था, जहाँ पर जिसको जैसे मदद पहुँचाई जा सकी वैसी मदद हम पहुँचा रहे थे। कुछ टीम मेंबर्स थे, कुछ दोस्त थे हमारे जो जुड़े हुए थे, जिसमें से एक हैं मिस्टर दिव्यांश, एक अमन, एक अभिषेक मालवीय, ऐसे बहुत सारे लोग जो जुड़े हमसे, और हम लगातार लोगों की मदद करने में लगे रहे वहाँ पर। मैं हमको समझ में एक बात आई कि पहली बात तो ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बात हमारे पास सही नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं, बेड हैं, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है रिफिल नहीं करवा सकते, कई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स हैं ही नहीं, और बहुत सारे लोग भटक रहे थे कि ऑक्सीजन बेड चाहिए। ये इंफ्रा लेवल पे फेलियर ही कहा जाएगा, भले हम कहें कि हमने बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर दिया ठीक हो गया, ऐसा हुआ नहीं है। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए, ऐसे कई लोगों को हमने ही देखा, हमारे आसपास ही देखा कि जहाँ पर उनको हॉस्पिटल तक ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल ने इसीलिए एडमिट नहीं किया क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन बेड नहीं था, और उस अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन बेड मिल जाता तो शायद वो बच जाते, ऐसे कई लोगों को हमने खोया। अब यहाँ प्रश्न ये है कि स्टेरॉइड का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए और इवन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी स्टेरॉइड एज ए मेडिसिन दिया जाता है, जिससे एक बात तो समझ में आती है कि लोगों का इम्यूनिटी लेवल खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बहुत सारे रिसर्च भी हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। इसलिए स्टेरॉइड्स मेरे ख्याल से भारत में बैन ही है, सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से परचेस कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये लीगल ही है, स्टेरॉइड कंज्यूम करना, परचेस करना ये लीगल है, अंटिल एंड अनलेस डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड यू। जो पहली बात आपने कही कि इससे इम्यूनिटी लेवल कम होता है, क्या? हाँ, इससे इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, हमने देखा है, रिसर्च में भी पढ़ा है। दूसरी एक बात आती है, क्या ये इंसोमनिया का कॉज है? तो इस पर तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप स्टेरॉइड एक मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये इंसोमनिया का कॉज बनेगा। अनिद्रा इस बीमारी को कहते हैं, नींद नहीं आती, फिर वो आदमी नींद की गोली लेता है और फिर वो जाल में फंस जाता है एलोपैथी के, जो लगातार उसको किसी और ओर ले जाते हैं। तो ये एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक तो पहले से चल रहा था, आज की हमारी जो चर्चा एलोपैथी बनाम होम्योपैथी में ना पहुंच जाए, लेकिन एलोपैथी के साइड इफेक्ट तो हर स्टेज पे हैं। ये तो दवाई के साथ दवाई लिखने वाला भी बताता है और दवाई में लिखा हुआ होता है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली ज़रूरी है आज के समय में कि आपको हर एक मेडिकल साइंस का एक बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, और आपकी डायरी में हर तरह के मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स का एक कॉन्टेक्ट ज़रूर होना चाहिए। सच बात है, डेफिनेटली। आजकल तो ये चीज़ें इजी हो गई हैं, ऑनलाइन तो सब अवेलेबल हो जाता है, कौन से डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर से गूगल करिए आपको निकल आएगा जी। और बेसिक जानकारी की जब बात है तो ठीक है, आप सोचती हैं कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है, मैं लॉ के फील्ड से हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लॉ की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस इज एसेंशियल। आप डॉक्टरी के फील्ड से हैं तो आप सोच रही हैं मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, बेसिक मीन्स की जो दवाइयाँ हैं हमें इमरजेंसी में, जैसे कि अगर कल मेरा एग्जाम है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कल मेरा एग्जाम है और जोर से मेरा पेट दर्द कर रहा
और होम्योपैथिक मैंने लिया तो है, लेकिन शायद मेरा मेडिसिनल सिलेक्शन गलत था जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं डेफिनेटली एक अच्छा एलोपैथिक डॉक्टर फ्रेंड को फ़ोन लगाकर एक एलोपैथिक टेबलेट ले सकती exactly. उसमें कोई बुरी बात नहीं, पर हमें इमरजेंसी में कब यूज़ करना है और अगर हम सामान्य अवस्था में तो हमें क्या यूज़ करना है, अगर हमारे पास में समय है तो हम आगे किस तरह से जा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा कि एक बेसिक फंडा में पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। दैट मीन्स हाउ टू चूज द राइट डॉक्टर एट राइट टाइम, how to choose the right doctor as well as how to choose the right medicine. Yes, that is also needed. Yes, bilkul, bilkul. Yes. Bilkul, sir.